गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ हैप्पी चाइल्ड, एक खुश रहने वाला बच्चा। ओके, इसमें एक बच्चा है जो हमेशा खुश रहता है। नाउ वी कैन रिसाइट द पोएम, यू कैन एन्जॉय दिस पोएम। ओके, माय हाउस इज रेड, मेरा घर रेड कलर का है, यानी मेरा घर लाल रंग का है। अ लिटिल हाउस, जो छोटा है। अ हैप्पी चाइल्ड एम आई, मैं एक खुश रहने वाला बच्चा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं सारा दिन, होल डे मतलब सारा दिन, हंसता हूँ, लाफ मतलब हंसता हूँ, एंड प्ले और खेलता हूँ, मैं सारा दिन हंसता हूँ, खेलता हूँ। ठीक है, आई हार्डली एवर क्राई, मैं मुश्किल से कभी कभार रोता हूँ, हार्डली मतलब मुश्किल से कभी कभार रोता हूँ। आई हैव अ ट्री, मेरे पास ट्री है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री, कौन से कलर की ट्री है? ग्रीन कलर की, हरे रंग की। आपने पेड़ देखा है, ट्री माने पेड़, कौन से कलर का होता है वो? ग्रीन कलर का होता है ना, हरे रंग का पेड़ होता है ना, हरा हरा। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो सन से मुझे प्रोटेक्ट करता है, शेड मतलब छाया देता है। सूर्य की जो रोशनी आती है जब दोपहर में, जब गर्मी हो जाती है, मैं जब दोपहर में बाहर खेल रहा होता हूँ पेड़ के नीचे, तो मुझे वो शेड देता है, यानी मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो छाया देता है, शेड मतलब छाया देना। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और मैं उसके नीचे कभी कभार बैठ भी जाता हूँ। अंडर मतलब नीचे, ऑफन मतलब अक्सर, सिट मतलब बैठना, मैं उसके नीचे कभी कभार यानी अक्सर बैठ भी जाता हूँ। व्हेन ऑल माय प्ले इज डन, जब मेरा सारा गेम ख़त्म हो जाता है, मेरा जब सारा खेलना कूदना ख़त्म हो जाता है, और जब मैं थक जाता हूँ, जब मैं उसके नीचे बैठ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि ये पोएम किसके ऊपर है? एक हैप्पी चाइल्ड के ऊपर, जो एक बच्चा हमेशा खुश रहता है। यू कैन एन्जॉय दिस पोएम, आई विश यू ऑल आर एन्जॉय। नाउ वी आर डू सम न्यू वर्ड्स। ओके, सी आर वाई क्राई, क्राई मतलब रोना, सी आर वाई क्राई, क्राई मतलब रोना। डी ए वाई मतलब डे, डे मतलब दिन। आर ई डी रेड, रेड मतलब लाल, लाल कलर, रेड कलर होता है ना। एस यू एन सन, सन मतलब सूरज, सूरज होता है ना जो हमको सनलाइट देते हैं। एस आई टी सिट, सिट मतलब बैठना। टी आर डबल ई ट्री, ट्री मतलब पेड़, ग्रीन कलर का पेड़ था ना। पी एल ए वाई प्ले, प्ले मतलब खेलना, जो आजकल आप सारा दिन प्ले करते हैं घर पे रह के, है ना। डी ओ एन ई डन, डन मतलब सारा कार्य कंप्लीट हो जाना, सारा आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। जब आप मम्मा को कहते हैं ना, मम्मा आई हैव डन माई वर्क, या फिर आप मैम को कहते हैं क्लास में, मैम आई हैव डन माई वर्क, है ना। डन का मतलब क्या होता है? पूरा काम कंप्लीट हो जाना। ओके, नाउ यू आर एन्जॉय दिस पोएम, नाउ यू आर डू द न्यू वर्ड्स एंड लर्न एंड राइट द पोएम इन योर नोटबुक। ओके, नाउ थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।